सभ्यता का ये इतिहास रहा है कि वो भूतकाल को महान तथा वर्तमान को छोटा कर दिखाता है। यही कारण है कि दुनिया जतन करने वाले लोगों को उत्साहित करने की जगह हारे हुए लोगों को उपदेश देने में लग जाती है कि जो लोगों को लोड से बद प्राप्त हो जाता है तो वो बाकी समाज के साथ बदीकियां करनिया चालू कर देते हैं। ये ही समुचे राष्ट्र की बर्बादी का कारण बनते हैं। इनकी हफज, इनकी खुदगर्जी और उनके कारण ही को जो कौमें हैं वो बदनाम हो जाती हैं और संबंध और रिश्ते टूट जाते हैं और आंदोलन फेल हो जाते हैं। तीन डिफरेंट पहलू है, जैसा एक आमदन होती है, एक खर्च होता है और एक बचत होती है। अगर सुखद और सुहावना जीवन व्यतीत करना चाहेगा तो हमें तीनों की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आमदन किसको कहते हैं, खर्च किसको कहते हैं और बचत किसको कहते हैं, इनका तालमेल बनाकर अगर नहीं रखेंगे तो घर नहीं चलेगा। ऐसा ही सामाजिक जीवन में भी बहुत सी बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमने सफलता के लिए कोशिश करनी है, हमने विरोधता नहीं करनी सफलता की, सफलता के लिए उद्यम करना है। जेकर हमने कोई काम करना है तो उसके प्रति हमारा उत्साहित होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह नहीं है तो कोई काम करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, उस काम प्रति हमारे मन के अंदर चाव भी पैदा होना जरूरी है। सिर्फ बातें करी जाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमने जो करना है उस प्रति हमारी जानकारी भी होनी चाहिए और हमारी पसंद भी होनी चाहिए। सिर्फ पैरों को झांझरा बन लेने से नचना नहीं आ जाता, नचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सोच समझ करके सब चीज को ध्यान में रखकर तब भी नचा जा सकता है। इसी तरह ही समाज क्रांति का शोर मचाने से समाज क्रांति नहीं होनी और हक्का की खातर विरोध की उमंग का पैदा होना जरूरी है। हक उनको ही मिलते हैं जो हक जिन्होंने हमारे खोए हुए हैं उनकी विरोधता में डटेंगे, उतनी देर तक हक नहीं मिलेंगे। और साथ साथ त्याग, समर्पण और बलिदान की भावना भी उपजी होनी चाहिए है। और तब ही क्रांति का बीज जो उगेगा। जैसे आमदन, खर्च और बचत तीन बहने हैं, हम जानते हैं कि आमदन के बिना खर्च नहीं हो सकता और फिर दोनों की सुहृदता के बिना बचत नहीं हो सकती। बचत के लिए आमदन पर और खर्च पर दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा और जितनी देर तक बचत नहीं करते उतनी देर तक हमारा फ्यूचर जो है वो सफल नहीं हो सकता। फिर भी कई बारी आमदन तो बिना जतनों से भी हो जाती है,
लेकिन बचत के लिए उचेचे जतन करने पड़ते हैं। आमदन को उत्साहत और बचत को कंट्रोल करना पड़ता है। संसार में लोगों की इच्छाएं तो बहुत बढ़िया बढ़िया होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए कोशिशों की और कोशिशों के लिए पूरा उद्यम नहीं किया जाता। और जब हम कोशना कोशिश करने की कंजूसी करते हैं तो फिर इशामा हो पूरियां होने में देरी लग जाती है। इसलिए हम जानते हैं कि सिकंदर की इच्छा तो बहुत अपने से भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका नाम जो है संसार में उसकी इशामा के कारण नहीं सगों उनकी कोशिशों के कारण याद किया जाता है। मानवता का ये इतिहास रहा है कि वो भूतकाल को महान तथा वर्तमान को छोटा कर दिखाता है। यही कारण है कि दुनिया जतन करने वाले लोगों को उत्साहित करने की जगह हारे हुए लोगों को उपदेश देने में लग जाती है। हमने मूर्खता को नवा ज्ञान देने की जगह किसे पिटे ज्ञान को दोबारा दोबारा देने के जतन नहीं करने, और प्राणा ही सोच सम जो है प्राणे ही ढंग से कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करी जाना चाहिए। फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर युग में हुए हैं और आज भी हैं, जो कोशिश कर समुची मानवता को रास्तों के ऊपर तोड़ने के लिए जतनशील होते हैं। ये ही देखने में आया है कि जो लोगों को लोड से बद प्राप्त हो जाता है तो वो बाकी समाज के साथ बदीकियां करनियां चालू कर देते हैं। ये ही समुचे राष्ट्र की बर्बादी का कारण बनते हैं। इनकी हफज, इनकी खुदगर्जी और उनके कारण ही को जो कौमें हैं वो बदनाम हो जाती हैं और संबंध और रिश्ते टूट जाते हैं और आंदोलन फेल हो जाते हैं। याद रखो, वामे हमारे पास सब कुछ, हमारे से सब कुछ भी खो लिया जाए तब भी हमारे पास अपना भविष्य निखारने के लिए अपने जतन तो मेरा हमेशा हमारे पास सुरक्षित है और हमने जतन करते रहने चाहिए। जब हमारे जतन समस्याओं को सुलझाने के लिए और मानवता की भलाई के लिए होंगे तो इंसानियत का बोलबाला होएगा। यही पैगाम की विचारधारा है, क्योंकि इस तरह ही हम सूझबूझ के क्षेत्र में समस्याओं से आगे लंग जाना है, समस्याएं पीछे रह जाएंगी और हम आगे बढ़कर अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे।